सा बनाया, बादल छाए बुलबुल चहके फूल खिले, सा बनाया बादल छाए बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए है, आने वाले ये सब आए है, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके मौज मस्ती चैनल की ओर से, मैं पीके श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। तो जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर आए हुए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यहाँ TPC रेलवे ग्रुप डी CGL CTET जो पेपर 2 जो है CTET का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साइंस से, उन सब के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए ये यूजफुल जो है ना एग्ज़ाम जो है। तो आप लोग जो है वीडियो को मिस मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं सुबह को इस चैनल के माध्यम से सुबह को आप लोगों को जो है ना 7 PM पे जो है, 7 PM पे आप लोगों को जो है वीडियो अपलोड कर रही है। तो आप लोग उस समय कहीं मत जाइएगा नहीं, और वीडियो को अपलोड जो किया जैसे नोटिफिकेशन में, तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिएगा कि क्या आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है रीजनिंग का है, रीजनिंग का टॉप 5 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मिस मत कीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर कुछ अच्छा लगे, कुछ जानकारी प्राप्त लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, एक निश्चित भाषा में थैंक्स यानी THANKS को HTNASK के रूप में कूट किया जाता है, तो उस भाषा में कॉमन COMON को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये पता करना होगा कि THANKS के थैंक्स को जो है ना किस तरह से ये HTNASK लिखा है। तो दोस्तों, इसने किया क्या है, ये देखिए, जैसे ये T और H है, ठीक है, T और H है, इसको किया क्या है देख लीजिए, मैं आपको विस्तृत रूप से समझा दे रहा हूँ। देखिए इसको क्या किया है दोस्तों, जैसे थैंक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये यानी T और H, तो T को छोड़ दिया और H को यहाँ पर पहले ले लिया, ठीक है। अब H के बाद जो है ना फिर ये T इसके आगे में डाल दिया, इसके बाद जो है A और N, तो A को छोड़ दिया और N को ले लिया, ठीक है, N को ये ले लिया, N के बाद फिर इसके बाद A के ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये और ये चार तक, तो चार जो है इसमें संख्या खत्म हो गया, इसके बाद दो संख्या जो बताया हुआ KS, तो यहाँ पर यस लेगा, इसके बाद यहाँ पर के आएगा। देखिए समझ में आ गया होगा, मुझे यकीन है कि आप लोग इसको बहुत आसानी तरीका से निकाल लेंगे। दोस्तों, आप भी जो है वीडियो को पॉज करके, जो बंद करके, स्टॉप करके जो है, आप अपने से पहले सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो जाता है तो आप फिर जो है वीडियो को चालू करके आप देख सकते हैं कि हाँ, मुझसे अगर नहीं हुआ तो सर किस तरह से जो है सोल्यूशन बता रहा है। तो इस ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को भी रीजनिंग होगा और आप जो है इस तरह का क्वेश्चन को भूल नहीं पाओगे। तो देखिए इसने क्या किया है दोस्तों, कॉमन को जो इसने क्या किया है, जैसे CO है तो पहले यहाँ पर हम O लेंगे, इसके बाद जो फिर ये C ले लेंगे, और C के बाद देखिए यहाँ पर डबल M है, तो आप ये M लीजिए चाहे ये M लीजिए, चलो मान लीजिए यही M लेते हैं, यहाँ पर M ले लिए, ठीक है। इसके बाद फिर ये M लेंगे, यहाँ पर M ले लिए, ठीक है। इसके बाद जो है O N है, तो यहाँ पर N होगा, इसके बाद O होगा। अब देखिए इस तरह से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, इस तरह से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर मेरा D करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे यकीन है कि दोस्तों आप लोग वीडियो और ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या करा है, एक निश्चित सांकेतिक में 2-3 यानी 253 का अर्थ होता है बुक आर ओल्ड, ठीक है, 546 का अर्थ होता है मैन इज ओल्ड,
और 378 का अर्थ होता है बॉय गुड बुक। तो उसी सांकेतिक भाषा में ओल्ड का कूट क्या होगा, आप लोगों को इसमें जो है ना कॉमन के रूप में निकालना है। अब देखिए क्या करा है दोस्त इसमें यहाँ पर देखिए बुक आर ओल्ड लिखा है, इसके बाद जो है मैन इज ओल्ड लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो बुक यहाँ पर क्या लिखा है बॉय गुड बुक्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखिए निकालना क्या करे, उसी संकेतिक भाषा में ओल्ड का पूछ रहा है दोस्तों। तो ओल्ड का पूछ रहा है, देखिए इसमें भी ओल्ड है, ठीक है इसमें भी ओल्ड है, चलिए देखिए हो गया। अब देखिए इस क्या इसमें ओल्ड है, OLD है इसमें नहीं है, तो बात ख़त्म है, इसको लेना ही नहीं है। इसके बाद क्या है 546, देखिए ये दोनों में कौन सा कॉमन आता है, तो ये दोनों में जो है यहाँ पर मेरा 5 है, यहाँ पर मेरा 5 है, तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यही जो है मेरा 5 कोरेक्ट आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर 5 किस ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 5 मेरा सी कोरेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोड चलते हैं दोस्तों, नीचे देखिए प्रश्न का सही वेन आर एक बताइए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कितनी बार पूछा गया है, तो इसको आपको करना क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसको करना क्या है दोस्तों, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आर एक बोल रहा है, तो फूल है, कपड़े हैं और सफ़ेद है। अब देखिए अब इसमें आपको दिमाग लगाना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें दिमाग लगाना है, फूल कैसा फूल, कपड़े कैसा कपड़ा, सफ़ेद तो सफ़ेदे है, सफ़ेद में तो कोई धब्बे नहीं लगा है ना दोस्तों, सफ़ेद तो सफ़ेदे है, ठीक है ये कलर हो गया, सफ़ेद कलर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है कपड़े, क्या कपड़े सफ़ेद नहीं होते हैं, काले नहीं होते हैं, इसके बाद है लाल नहीं होते, कपड़े भी कई प्रकार के कई रंग के होते हैं, फूल क्या फूल सफ़ेद नहीं होते हैं, क्या फूल सफ़ेद नहीं होते हैं, लाल नहीं होते हैं, काला नहीं होता, होता है दोस्त। तो वेंड जी वेंड गणा में इसको कैसे, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वेंड गणा में इसको किस प्रकार से बनेगा। चलिए देखिए एक सर्कल इस तरह से बन जाएगा, ये क्या हो गया सफ़ेद का, ठीक है सफ़ेद। अब ये सफ़ेद में से कुछ फूल जो है सफ़ेद होता है और कुछ काला भी होता है, फूल भी तो सफ़ेद होता है। इसके बाद आ गया कपड़ा, कपड़ा देखिए क्या कपड़ा सफ़ेद नहीं होता है, कुछ कपड़ा सफ़ेद होता है, कुछ काले होते हैं, कुछ लाल होते हैं। तो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर वेन डायग्राम इस तरह से किसमें है, तो वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, इसमें बता रहा है कि अगला संख्या क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए यहाँ पर 5 के बाद 7 के बाद 25 के बाद 49 और 125, ये किस तरह लिखा है, ये किस तरह लिखा है, देखिए 5 के बाद 7 के बाद 25 के बाद 49 और 125 किस तरह लिखा है दोस्तों। आप इसमें करना क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 5 है, 5 किसने क्या किया है एक बार गुना किया है, ठीक है 7 है तो 7 किसने क्या किया है एक बार गुना किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो हो गया ये दोनों, अब देखिए अब ये इन दोनों को लेना है, इसके बाद इन दोनों को लेना है, अपने आप आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो है फिर यहाँ पर 5 है, ये 25 जो है किसका स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक लिया है, अब जो है संख्या चेंज होगा 2 आएगा। चल देखिए 5 का स्क्वायर अगर करेंगे कितना आएगा 25, यहाँ पर 5 क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। 49 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 49 का स्क्वायर 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 क्या पावर 1 और 7 का पावर 1, यहाँ पर देखिए 5 का पावर 2 और 7 का पावर 2, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, यानी क्रम संख्या बढ़ रहा है ना, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्यू आएगा 3 आएगा, तो क्यू आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद फिर 5 आया, तो फिर यहाँ पर देखिए 5 के बाद फिर यहाँ पर 5 आएगा ना, ये देखिए यहाँ पर 5 आएगा और 5 को जो क्यू कर देंगे कितना आएगा 5 है, देखिए 5 है, 5 गुने 5 कितना हुआ 5 है 25 कितना आ रहा है 125 आ रहा है दोस्तों। मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद 5 के बाद अब क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, 7 के क्यू करेंगे तो कितना होगा 749 और 49 को जो है आप 7 से गुना कर दीजिएगा तो 343 आएगा, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 343 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट सही हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों की इस क्वेश्चन के
बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों बहुत नज़दीक यानी बहुत अगर आपके पास समय नहीं है एग्ज़ाम का तो पर भी अगर इस चैनल से जुड़ जाओगे सिर्फ एक महीना के अंदर जो है ना आप जो है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आसानी तरीके से पास कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि नीचे दी गई प्रश्न के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसको करना क्या, देखिए सबसे पहले इन दोनों का आपको समझना है दोस्तों। जैसे अगर इन दोनों को समझ जाओगे तो ये ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। इसको किया क्या है दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए डी ई को कैसे 10 लिखा है। सबसे पहले आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, डी ई को कैसे 10 लिखा। मान लीजिए चलिए डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है दोस्तों। इसके बाद ई कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तो 5 नंबर पर आता है दोस्तों। अब इनको क्या करें कि 10 आए, अगर 4 और 5 को अगर जोड़ती है तो कितना आता है, 9 आता है 10 तो नहीं आ रहा है। इसको चलो गुना करते हैं, 4 और 5 की गुना करते थे कितना आता है, 20। 20 में अगर हम 2 से भाग करते थे कितना, 10 आ जाता है, आता है ना दोस्तों। अब तो मुझे यकीन हो गया आप लोगों को कि ये जो है इसी तरह से बनेगा। तो देखिए 10 आ गया। अब देखिए अब इसको निकालिए, यच कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 8 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 9 नंबर पे। चलिए इसको भी गुना करते कितना होता है, 8 नंबर कितना होता है दोस्तों, 72। 72 में अगर 2 से हम गुना भाग देंगे तो कितना आएगा 36। यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 36। देखिए ऑप्शन नंबर 36 कौन सा ऑप्शन है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो आपके साथ कंधों से कंधे मिलाकर चल सके और दोनों आदमी एक साथ एग्जाम देकर अच्छा सा जॉब कोई ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बस तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। तो बस ठीक है, मौज मस्ती चैनल की ओर से आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को इस वीडियो में किसी भी प्रकार के त्रुटि अगर आप लोग देखते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर क्वेश्चन आप इस तरह से कुछ गलत बता रही है, तो प्लीज़ कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलेगा कि अगर आपको भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके और साथ में किस स्टेट से बिलोंग कर रहे दोस्तों वो भी ज़रूर लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ जानकारी प्राप्त होता है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चल बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय।